इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव में इस बार परिणामों को लेकर प्रत्याशियों और पार्टियों के साथ साथ आम जनता की भी उत्सुकता बढ़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल आने के बाद आंकड़ों को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। छिंदवाड़ा संसदीय हॉट सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। परिणाम के कुछ घंटों पहले प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं भाजपा नेता छिंदवाड़ा में इस बार जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिन सीटों में भाजपा का पेच फंसता दिख रहा है उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन इतिहास रचेगा। आपको बता दें कि जिले के 12,99,000 मतदाताओं ने अपना वोट दिया था, जिसका परिणाम कल पीजी कॉलेज में 20 राउंड के बाद सामने आएगा। वहीं मंगलवार को धर्म टेकरी क्षेत्र में नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इस रोड पर भारी वाहनों के साथ आम आवाज आईके के लिए मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। पूरे मतगणना स्थल की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, गैलरी सहित पूरे परिसर में 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। पीजी कॉलेज में मतगणना का कार्य चलेगा, जिसमें एलईडी के माध्यम से शहर के 2 स्थानों पर राउंडवार मतगणना का डिस्प्ले किया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर में स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास और फव्वारा चौक में LCD वॉल लगाने के निर्देश निगम को दिए गए हैं, जिसके परिपालन में निगम ने इन स्थानों में डिस्प्ले बोर्ड और आमजन के बैठने की व्यवस्था की है, जबकि आमजन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी परिणाम देख सकेंगे। बेसमेंट में चल रही दुकानों को लेकर कुछ हफ्तों पहले निगम ने कलेक्टर के आदेश पर सख्ती दिखाते हुए जांच कर परासिया मार्ग की 50 दुकानों को नोटिस थमाया था, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने 40 से अधिक दुकानों पर तालाबंदी की कार्रवाई भी की थी। बहरहाल अब वही दुकानदार कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बगैर किसी परवाह किए हुए बेसमेंट में दुकानों का संचालन कर रहे हैं। नतीजा यह है कि पार्किंग में बनी दुकानों की वजह से वाहन मालिक सड़क पर वाहन खड़े करने को मजबूर हैं। निगम की कार्यवाही सिर्फ बेसमेंट पर ढीली नहीं पड़ी, जबकि पॉलिथीन मुक्त बाजार, सड़कों पर अतिक्रमण जैसी कार्यवाही भी सुस्त पड़ गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 छिंदवाड़ा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतगणना प्रेक्षक DP चौहान, दुष्मांत कुमार बेहरा और मुनीर उल इस्लाम ने मतगणना स्थल शासकीय PG कॉलेज पहुंचकर विधानसभावार बनाए गए EVM मतगणना कक्ष, पोस्टल बैलेट गणना कक्ष, IT रूम, प्रेक्षक कक्ष, CCTV मॉनिटरिंग कक्ष, स्ट्रांग रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और मतगणना के लिए की गई संपूर्ण व्यवस्थाएं देखी। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क, सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध, शानदार बड़े बड़े 4-4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध, फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार DJ एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क सरसवाड़ा छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरमान जारी किया है, जिसके तहत सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस के संबंध में पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवानी है। यदि कोई स्कूल पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने शहर के सभी निजी स्कूलों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को 8 जून तक 2020 से लेकर 2024 तक फीस तथा ऑडिट के संबंध में DPI पोर्टल पर एंट्री करवाना अनिवार्य है। यदि स्कूल इसकी जानकारी अपलोड नहीं करते तो ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। फव्वारा चौक में एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार फव्वारा चौक स्थित प्रगति रेडीमेड गारमेंट शॉप में अचानक धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद CSP सहित कोतवाला TI ने टीम के साथ मोर्चा संभाला और निगम की टीम ने फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार देर रात दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वार्ड नंबर 10 पंचशील कॉलोनी के सूने घर में दबंगों द्वारा JCB चलाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने घटना की पुलिस को जानकारी दी, जहां पर पुलिस ने मौका स्थल का निरीक्षण कर चार आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा JCB मालिक और चालक की शिनाख्त कर उसके खिलाफ भी मामला बनाए जाने की खबर है। ये हमारा घर आज सुबह मीता सूद और मेरानी द्वारा, उसके डैडी द्वारा तोड़ा गया JCB से 6:30 बजे। ये दादाजी को हमने 35,000 रुपए दे दिए थे ताकि वो हमारी रजिस्ट्री कर दें, लेकिन वो आज करूंगा कल करूंगा करके बहलाते रहे और उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। इसके अंदर हमारी मम्मी का सोना चांदी पैसे सारी चीजें थी, इवन जो हमने जो पावती पट्टा जो करवाया था लिखवाया था वो दस्तावेज भी इसी के अंदर था। हमारी मार्कशीट भी कुछ कागज हमें पुलिस द्वारा मिले गए थाने में। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि COVID-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा का पुनर्गठन कार्यक्रम पाठा ढाणा स्थित चंद्रप्रभा लॉन में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 से 2027 की तहसील इकाई का पुनर्गठन किया गया। जिला अध्यक्ष मेहर सिंह चौधरी के अनुशंसा पर उपस्थित सदन की सहमति से छिंदवाड़ा जिला तहसील के लिए राजेश पाल को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता DS चौरे को पदभार ग्रहण किया। महामंत्री अनिल सूर्यवंशी बनाए गए। जिला की ग्राम इकाइयों को भी दायित्व सौंपा गया, जिसमें छिंदवाड़ा तहसील के लगभग 120 गांव के किसान सम्मिलित हुए। गुरैया सब्जी मंडी स्थित शिव मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद ग्रहण करके कार्यक्रम का समापन हुआ। पांडुर्ना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस लाइन में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया। दोनों थाना परिसर में विगत कई दिनों से किया जा रहा, जिसमें बच्चे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता एवं मेहंदी, आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे एवं कर्सिव राइटिंग
रस्साकशी एवं ऐसे ही कई खेलों के द्वारा अपनी प्रतिभा को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में समर कैंप के माध्यम से हिस्सा लेकर बच्चे कई प्रकार की ड्राइंग पेपर पर निकालकर चित्रकला में अपनी प्रतिभा को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे समर कैंप को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। सुबह एवं शाम को आयोजित होने वाले इस समर कैंप में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ताल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक द्वारा जिले में आयोजित दो दिवसीय ताल महोत्सव शास्त्रीय संगीत समारोह का समापन कल रात पखावज वादन के साथ हुआ। ताल महोत्सव के द्वितीय दिवस पुणे से पधारे प्रतिभागियों ने प्रस्तुति देकर दर्शकों के मध्य समा बांधा। आयोजन के दूसरे चरण में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, साथ ही आमंत्रित कलाकारों को विशेष उपहार प्रेषित किए गए। इस अवसर पर संगीत कला प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।